हमीरपुर के बरोहा में पशुपालन विभाग का जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग हमीरपुर डॉक्टर सुशील शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कर्मचारियों को पशु सेवा के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही पशुओं की उचित देखरेख के साथ नई तकनीकों, पशु आहार व्यवहार, पशु उत्पादन के बारे में भी जानकारी दी गई। सेमिनार में जिला भर के पशु चिकित्सालयों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग हमीरपुर डॉक्टर सुशील शर्मा ने कहा कि सेमिनार में नए तरीके की तकनीकों के बारे में बताया गया तो समस्याओं के समाधान के लिए भी किस तरह से निपटा जाए इस पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य आज के समय में पेश आ रही समस्याओं से कैसे निपटा जाए इसके बारे में चर्चा की गई। हमने पैरावेटिंग काउंसिल के सौजन्य से और पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर शाखा जो है उसने एक दिवसीय पैरावेटिंग काउंसिल का सेमिनार रखा है। ये सेमिनार जो है इसमें सभी जो हमारे पैरावेट्स हैं जिसमें वेटनरी फार्मेसिस्ट, हमारे मैपी में लगे हुए वेटनरी फार्मेसिस्ट, एएचएस, टी फार्मेसिस्ट पूरे जिले के यहाँ पे आए हैं। हमने इसको स्पेशली छुट्टी वाले दिन इसलिए रखा है ताकि कोई भी हमारा इंस्टीट्यूट जो बंद ना हो, ताकि लोगों को उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। और हमारे डॉक्टर्स आज फील्ड में हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। इस सेमिनार के माध्यम से हम जो आज की कंटेम्प्रेरी आज के जमाने में जो भी चल रहा है लेटेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको कि फील्ड में इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि फील्ड के किसानों की और के पशुपालकों की जो समस्या है उनका निदान जो है वो त्वरित तरीके से हो, वो हमने डिसेंट्रलाइजेशन करने का हमारा मेन मकसद है। और इसी मकसद से हम इनको ट्रेन करके फील्ड में भेजेंगे ताकि ये समस्याएं कम से कम हो सके। आज का सेमिनार समस्याओं के इनकी समस्याओं के निदान के लिए नहीं किया गया है। आज का जो सेमिनार है इसका मेन मकसद इनको एजुकेट करके गोपालकों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करना है, उनको लेटेस्ट टेक्निक्स बता के लेटेस्ट टेक्निक से अवगत कराया जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि उसका फॉलो फील्ड में हो और फील्ड में फॉलो के थ्रू किसानों को उसका लाभ जो है वो त्वरित तरीके से पशुपालकों को उसका मिले।